रहे हरियाणा सरकार के मंत्री दादरी से पूर्व विधायक सतपाल सांगवान जी, मेरे साथ पार्लियामेंट में सदस्य रहे आदरणीय ईश्वर सिंह जी, हमारे साथ मौजूद हमारे पुराने साथी भाई जगदीश जी, हमारे साथ मौजूद कुवाणी खेड़ा से मजबूत साथी भाई नरेश कुवाणी जी, ईश्वर सिंह जी के सपुत्र सिटिंग एमसी है रणधीर सिंह जी, के जननायक जनता पार्टी के अंदर आज औपचारिक तौर पर आए। मैं तय दिल से इनका जननायक जनता पार्टी के अंदर स्वागत करता और अभिनंदन करता हूँ। और जो विश्वास आस्था आज इनने दर्शाई, मैं मानता हूँ जिस संकल्प को लेकर 9 महीने पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने चीन की धरा से साथियों के साथ मिलकर कदम उठाया था, दिन प्रतिदिन उनका बढ़ता जा रहा है, मजबूती मिलती जा रही है। और ये विश्वास आज हरियाणा की जनता में है, जननायक जनता पार्टी इकलौता विकल्प जो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर ही नहीं, सत्ता परिवर्तन के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम जब आप जैसे साथियों से चर्चा करी, एक चीज आपको बताई थी कि आज भारतीय जनता पार्टी की हालत एक कनार 100 बीमार वाली है। और मुझे लगता है सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वयं कल शाम से समीकरण तो आपने भी देखे हो कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ये मानकर चल कि आगामी 20 दिन जो बाकी है, हरियाणा प्रदेश का एक एक युवा एक एक बुजुर्ग जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए संकल्प लेकर मैदान में उतर प्रदेश में जेजेपी की सरकार बनाने का काम है। हमारा तो एक लक्ष्य है कि हर समाज के हर वर्ग के साथी को मजबूती से जोड़े, उनका प्रतिनिधित्व और मजबूती से आगे बढ़े। और जैसे चौधरी देवीलाल जी ने 1987 में परिवर्तन लाने का काम किया, वो परिवर्तन प्रदेश के अंदर आगामी 20 दिनों में जननायक जनता पार्टी लेकर आने का काम। ये जो बायलेटरल एंट्री है बिल्कुल आचार संहिता लग चुकी है और 2-3 दिन बचे हैं, तो सीधा जो शामिल हो गए तो टिकट की घोषणा के साथ ही हो रहे संगठन के अंदर 11 महीने पहले जो साथी बनाने में लगे थे राज तक लगे, उन तमाम साथियों राय मशवरा करकर और उन सब से चर्चा करकर ये निर्णय किया। और जहाँ आपके तो पहले बात ही है, मैं एक चीज बोलना चाहूँगा कि संगठन को मजबूत करना और 40 का आंकड़ा मजबूती से पार अगर तमाम साथियों की उस पर सहमति बिल्कुल ऐसे निर्णय भी बीजेपी की लिस्ट के बाद कुछ अप्रोच फोन कॉल ज्यादा बढ़ने भी शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोगों से तो आपको चर्चा करनी चाहिए कि आज आपकी परिस्थिति क्या है। दुष्यंत भाई, अकाली दल कह रहे हैं कि जेजेपी से बातचीत चल रही है, क्या जेजेपी अकाली दल के साथ जाएगा या नहीं जाएगा? मेरी ना तो सरदार सुखबीर सिंह बादल जी से, ना सरदार प्रकाश सिंह बादल जी से ना कोई मुलाकात ना कोई बात 21 तारीख पिछले महीने से। अगर ऐसी कोई चर्चा सांगठनिक लेवल पर चल रही और अगर कोई निर्णय लिया जाएगा तो आप जैसे साथियों को जरूर बुलाकर उसके बारे में बताएं। और आज के दिन मैं जरूर कह सकता हूँ कि मेरी इस बारे में आपकी पार्टी की लिस्ट कब आ रही है? 2 तो कर दी और 2 अगले 2 दिनों में कर दी। आप
भाजपा की जो लिस्ट आई है 78 लोगों की लिस्ट आई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? मैं तो ये मानता हूँ कि एक चीज साबित होगी कि मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं अपने लोगों पर विश्वास है, और जिस तरीके से आज सुनने में आए राम नरवीर सिंह की टिकट कटी नहीं, बादशाहपुर से हार का डर था, उनको कहीं ना कहीं बदला जाएगा। मंत्री जी विपुल की टिकट कटी, उनको भी कहीं ना कहीं बदलने की बात करें। भाजपा में बैठे लोग इनसिक्योर है, और कहीं ना कहीं आपसी मन मुटाव आज पब्लिक के सामने लाने का काम है, और जिस तरीके से ये हलचल चली असली भाजपा को आज पूरी तौर पर जहाँ लात मारी वहाँ एक चीज साबित कर दी कि जिन लोगों ने 5 साल इस संगठन में काम भी किए, ग्राउंड लेवल से इस संगठन को जो हरियाणा प्रदेश में नाम मात्र था खड़ा किया, उस संगठन के अंदर बैठे लोगों की बजाय और लोगों को इन्हें अडॉप्ट किया, ये साबित कर देता है कि बीजेपी खुद मानती है 75 बार ही हरियाणा से बाहर का रास्ता नाम जारी है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, जो 25 साल की आयु से बड़ा इंडियन सिटीजन है वो उसका बड़ा हुआ है। जनरल सीट पे 10,000 और SC पे शायद 5,000 बीच भर के चुनाव है, तो इच्छा है व्यक्ति। इनेलो से 6 जो विधायक थे उनको टिकट दिया, और ओवरऑल अगर संख्या देखें तो 10 विधायकों की है, तो जो अपना वोट बैंक होता है वो बीजेपी के साथ वो लोग लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे संदर्भ में सवाल तो इंटरनेशनल लोग पूछे। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि आने वाले समय में आप भी कहोगे इंटरनेशनल। ईश्वर सिंह जी, आप कांग्रेस के अंदर रहे, आयोग के सदस्य भी रहे, आप इस तरीके से जनता जनता पार्टी प्रभावित हुए, और क्या कांग्रेस में किसी तरीके की तरजीह नहीं दी जा रही थी, क्या वजह थी आपको? देखिए, मैं 40 साल कांग्रेस में रहा, 40 साल कांग्रेस से कैसे बैठ पाई थी, इस पार्टी नहीं रही, उसके कोई असूल नहीं रहे। मेरी आस्था जो है ना पूर्ण रूप से जननायक जनता पार्टी में, क्योंकि ये गरीब के गांव के निर्धन के हितैषी हैं, और मैं इनके व्यक्तित्व से जो है ना विशेष करके प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ कि ये सबके हितकारी। कांग्रेस में क्या दिक्कत अभी आपको नजर आ रही थी? भूपेंद्र हुड्डा को कमान देती नहीं, क्या ये बात आपको गले नहीं उतारता है? कांग्रेस में हाई कमान नाम की कोई चीज नहीं, जो आंख दिखाता है वही जो है ना पा जाता है। 2 दिन पहले कहता था हुड्डा जो है पहले वाली कांग्रेस थी, तो जब उसको पद मिल गया फिर पहले वाली हो गई, कोई सिद्धांत नहीं है, जो भी जो नियम थे कांग्रेस के वो खत्म हो गए। आपको ये लग रहा था कांग्रेस के अभी तो लिस्ट भी नहीं आई, मैं तो लिस्ट से पहली आ रहा हूँ, नहीं मैं तो पहली आ रहा हूँ, अभी तो लिस्ट भी नहीं आई है, मैंने तो पहली दरकरार कर दिया उनको, लिस्ट की आने के बाद तो बात कह सकते थे। पक्का बोल रहा हूँ, भूपेंद्र हुड्डा के लिए मैंने बहुत कुछ किया, अभी 5 साल में जब कुछ नहीं था, दादरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने हुड्डा साहब को चुनाया, उसकी दुनिया भर की मीटिंगें कराई, सब कुछ कराई, तो अब मैंने जो भाई साहब से मेरी बात हो गई, अभी कोई लिस्ट में नहीं आई है कि मेरे को ये ड्रो, अगला ने यह भी कहा था तेरे को टिकट नहीं मिलेगी, तो मैं कुछ भी नहीं, पर मैंने कहीं रिलायबल सोर्स से पता लगाया कि मेरे साथ भी गड़बड़ हो गई। मैं इस बात के लिए नहीं, क्योंकि मैं सारा आप पूरा भिवानी जिले में किसी से पता लगा लो मैंने कितनी मेहनत करी है, जहाँ जन से वहाँ 200-200 100-150 गाड़ियाँ चुकी, और मेरे को परसों किसी ने बताया कि तेरा मैंने बात की जो मैंने सॉरी तो मैं सॉरी तो सॉरी क्या हो आपको आज वादा करके जाता हूँ, और भाई साहब को वादा करता हूँ कि आपको जो है ना 24 तारीख को सतपाल सांगवान वहाँ से विधायक नहीं आएगा तो जिंदगी में सकम नहीं दिखाऊंगा, मैं ऐसी काम कर रखा मैंने मेहनत कर रखा है, मेहनत के कारण मात्र मेहनत पर विश्वास करता हूँ, और कोई नहीं इनका जो है ना
इनका वहाँ जो हमारे पूर्व विधायक थे वहाँ से इनके पार्टी के वो मेरे साथ है उसी ने। यानी आपके विधायक बनने का और टिकट मिलने का दोनों कमिटमेंट हो चुके हैं। मैं आपको एक चीज बता रही विधायक तो मैं बनूंगा, इनके धामले को जरूरत होगी मदद, इनकी पर्ची है वहाँ वोट है, इनका पहला विधायक ही नहीं पार्टी का थी नहीं साथ था वो, तो हमारे दोनों भाई मिलकर मारा के सुखा।